सबको अभी थोड़ा सा मसाला लगा के एक दो घंटे रख दूंगा और ये डिनर के लिए तैयार हो जाएगा। ये नमक है और ये काइन पेपर है और ये कंप्लीट सीजनिंग है इसमें। ये थोड़ा सा मैं इसको स्प्रिंकल करूंगा और फिर हाथ से इसको मैं मिक्स करूंगा। ये काइन पेपर भी ये दो तीन घंटे तक बाहर ही रहेगा और बाद में इसको ड्राई फ्राई में, ये थोड़ा स्पाइसी होगा और इसके साथ आलू वगैरह भी तैयार किए जा सकते हैं एक ही टाइम के ऊपर। तो ये कंप्लीट सीजनिंग है और ये जो है ये इसको बहुत अच्छा टेस्ट दे देगी। इसमें गार्लिक भी है, लहसुन, प्याज, अदरक सब कुछ इसमें है, मिक्स है। तो ये उन्होंने तस्वीर भी दी हुई है, सब धनिया भी है, बे लीव है, सब इसमें मिक्स है। अभी इसको मैं हाथ से मिक्स करूंगा और दो घंटे तक रख दूंगा, उसके बाद फिर मैं इसको तैयार करूंगा।